हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है स्मिता किचन हिंदी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बाफला। तो चलिए देखते हैं मैं कैसे बनाती हूँ बाफला। इसके लिए मैंने लिया 3 कटोरी आटा और 1 कटोरी बेसन लिया है। उसमें मैं क्रश करके डाल देती हूँ अजवाइन को, और मैंने स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया है। साथ ही साथ 2-3 पिंच हम बेकिंग सोडा भी डाल देंगे इसमें। इसको मिलाने से पहले हम थोड़ा सा घी का मोइन दे देंगे। इसके लिए हम थोड़ा गर्म कर लेंगे घी को। तो चलिए घी गरम करते हैं हम अपने। आप चाहेंगे तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाफला में देसी घी का यूज़ कीजिएगा तो ज़्यादा टेस्टी लगता है, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए मेरा घी जो है पिघल चुका है। इसमें थोड़ा हम डाल देते हैं हींग, और थोड़ी सी हम डाल देंगे हल्दी। और चलिए थोड़ी डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर। चलिए इस तड़के वाले घी को डाल देते हैं हम अपने इस आटे में, और इसे हम अच्छी तरह से हाथों के थ्रू मिक्स करेंगे कि आटे में गांठें ना बंधी हो। अगर गांठें बनी हुई हो तो हाथों के थ्रू फूट जाए। तो चलिए हम इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए मेरा आटा कितना स्मूथ हो गया है। हम अपने दोनों हाथों से भी मिक्स कर लेते हैं आटे को, जिससे कि कहीं अगर गांठें बची होगी तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। फ्रेंड्स, तो वीडियो मेरी बहुत ही अच्छी लगने वाली है आप सबको, तो कर दीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब, और शेयर भी कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि हमारे वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी। मेरे आटे में घी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब डाल देते हैं इसमें थोड़ा दूध। हम अभी दूध का यूज़ करें, आप चाहेंगे तो दही भी डाल सकते हैं, आप क्रीम भी डाल सकते हैं। क्रीम को अच्छी तरह से मिक्स करके मिक्सी में इसमें आप यूज कर सकते हैं। इससे बाफला जो है बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटे को गूंथ लेंगे, अच्छी तरह से आटे का डो तैयार कर देंगे। हमें आटा उसी तरह से लगाना है जिस तरह से हम रेगुलर में रोटी बनाते हैं, उसी तरह से सॉफ्ट हमें आटा लगाना है, कड़ा आटा नहीं लगाना है हमें। तो फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब, जब तक मैं आटा गूंथ रही हूँ, क्योंकि वीडियो होने वाली है लंबी। और थोड़ा पेशेंस रख के मेरी वीडियो को जरूर देखिए, और कमेंट्स करके बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं। 15 मिनट के लिए हम इसे ढक के छोड़ देते हैं। तो देखिए हो गया है 15 मिनट, आटा लगभग और स्मूथ हो चुका है। तो इसको हम लोग चले ही बेल लेते हैं। तो इसे हम 2 भागों में तोड़ करके, 2 भाग करके एक भाग अलग हटा देते हैं और एक भाग को अच्छी तरह से हम बेल लेते हैं। जितना पतला हो सके हम उस हिसाब से बेल लेंगे। हम इतना पतला बेल लेंगे जितना बड़ा हमारा चकला है। पूरे चकले को हम कवर कर लेते हैं। चलिए से हम दूसरे आटे के टुकड़े को भी अच्छी तरह से बेल लेंगे। अब बेली हुई रोटी के ऊपर हम घी डाल करके चारों साइड इसको फैला देंगे। और इसके ऊपर मैंने जो दूसरी रोटी बेली थी उसको हम रख देंगे। इसके ऊपर भी हम घी लगा दे रहे हैं। चलिए इसको हम मोड़ देते हैं 2 भागों में, और इसके हम कटिंग कर लेते हैं। तीन बराबर आकार में हम कटिंग कर लेंगे। अब इन तीनों को फिर से हम इस चकले के साइज में बेलेंगे। देखिए कितना खूबसूरत पतला सा रोटी बन गया हमारा ये आटा। दूसरे को भी इसी तरह से हम बेल लेंगे, सभी को हम इसी तरह से बेल लेंगे पहले। ऐसे हम इस सभी के ऊपर में घी लगा देंगे, और फिर तीनों रोटियों को हम एक के ऊपर एक रख के लेयर लगा देंगे।
फिर हम इसे गोल 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 राउंड शेप में इसका एक क्वाइल बना लेंगे मोटा सा। और उतना पतला क्वाइल करेंगे जितना कि हम लोई अच्छी तरह से हमसे कट जाए। और एक मीडियम साइज का बाफला हमारा सभी आटे को एक बराबर टुकड़ों में तोड़ करके हम रख लेते हैं। मैंने सभी आटों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके रख लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से गोल कर देते हैं, एक छोटा छोटा सा बॉल का शेप दे देते हैं और इसके बीचों बीच में थोड़ा सा अंगूठे से हम पुश भी कर देंगे। देखिए इस तरह से पुश करके हम अपने गोल गोल लोई तैयार कर लेते हैं। तो हमारे सभी लोई बनके हो गई है रेडी। इन्हें खौलते हुए पानी में हमें इन्हें बॉईल करना है। तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ, मेरे पास स्ट्रेनर है एक, उसको मैं डाल देती हूँ और इसमें मैं अपने सारे बनाए हुए आटे की लोई को डाल दूँगी। जितना मेरा आटा का लोई है इसमें आ जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। और मुझे इसका यूज़ करने से थोड़ी सी सुविधा होती है और आटा भी है अच्छी पानी के अंदर घुलता नहीं है। आप चाहेंगे तो इसको स्टीम भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे पानी में, एक तो मेरे पानी में बॉयल भी हो जाएगी और लाइक स्टीम भी हो जाएगी, क्योंकि अगर हम सिर्फ पानी में बॉयल करते हैं तो हम ढकेंगे नहीं, लेकिन इसमें अगर हम करते हैं बॉयल तो इसमें हम ढक के भी पकाएंगे तो हमारी जो है लोई आपस में चिपकेगी नहीं और इसको निकालने में बहुत ज़्यादा सुविधा होता है। थोड़ा बहुत कुक हो चुका है, अब हम इसको सबको अलग अलग कर देते हैं आपस में ही, स्पैचुला से कर देते हैं या आप चिमटे के द्वारा भी कर सकते हैं। मैंने चिमटा लिया है, चिमटा का यूज़ किया है। तो ये देखिए मैं सबको अलग अलग कर दे रही हूँ, थोड़ा सा नीचे से पुश भी कर दे रही हूँ कि ये उठ जाए। अगर हम पानी में बॉयल करते तो जो पक जाते हैं वो ऊपर उठ जाते हैं, पानी में ही तैरने लगते हैं। तो ये देखिए लगभग मेरे जो है बाफला जो है पक गया है, थोड़ा देर और पकाते हैं इसको। अब हम इसको टूथपिक के थ्रू थोड़ा चेक कर लेंगे कि अच्छी तरह से पका है कि नहीं। तो चलिए करते हैं टूथपिक के द्वारा इसको चेक। तो ये देखिए मेरा बाफला पक के हो गया है रेडी। देखिए मेरे टूथपिक में आटे लग के नहीं आ रहे हैं, इजीली और प्रिक हो जा रहा है। तो इससे समझेंगे कि हमारा बाफला अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसको निकाल देंगे। तो चलिए हम अपने बाफले को निकालते हैं, उतार देते हैं। फिर और इसको हम कुछ देर के लिए इसके पानी को सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए मैंने कुछ देर के लिए छोड़ दिया था तो इसके सारे पानी सूख चुके हैं। बाफलों को सेकने की बारी आई है बाटी मेकर में। अब हम इस बाटी मेकर को ले लेंगे और इसमें जो है इन बाफलों को सेकेंगे। तो सभी बाफलों को एक लेयर में सजा देंगे। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा और लिख दीजिएगा प्यारा प्यारा सेक्टर में शो, मुझे अच्छा लगेगा। तो ये देखिए मेरी सारी जो है बाटी सज गई है और इसको कवर कर देते हैं इसके ढक्कन से और इसको बीच बीच में हम इसे पलटते पलटते रहेंगे, इसको देखते ही रहना है, पलटते रहना है। ये देखिए मेरा पकना स्टार्ट हो गया है बाफला।
बीच बीच में ढक के पकाते जाएंगे और इसको बार बार खोल के इसको उलटते पुलटते रहना। इससे हमारा बाफला बढ़िया से सीखेगा चारों साइड से। पक तो पहले ही गया है लेकिन इसको अच्छी तरह से हमें सेकना भी है। इस बाफले को हमें तब तक सेकना है जब तक यह कुरकुरा दिखाई नहीं देने लगे। देखिए लगभग हमारे बाफला जो है सिक गया है, अब थोड़ा और बाकी है। तो देखिए मेरा बाफला परफेक्ट हो चुका है। अब हम इसको निकाल देते हैं प्लेट में। मज़ा तो तब आता है जब इसको गरम गरम आप बाफला और दाल खाइए तो बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको चटनी के साथ भी खा सकते हैं, सॉस के साथ भी खा सकते हैं। तो ये देखिए मेरा बाफला कितना सुंदर सा तैयार हुआ है। चलिए हम देखते हैं कि हमारा बाफला बढ़िया से हुआ है कि नहीं। ये देखिए कितना खूबसूरत, कितना सॉफ्ट स्मूथ हुआ, बाहर से सख्त और अंदर से एकदम नरम नरम। ये इस तरह से बाफला बना करके खाने पर बाफला बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरह से बनाइए बाफला को और घर में खाइए, जाड़े का मौसम चल रहा है। ले करते हैं अभी इसका प्लेटिंग और इसको करते हैं एंजॉय। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप ही बनाइए, खुद भी खाइए, अपने परिवार को भी खिलाइए और इसको सलाद के साथ, हरी चटनी के साथ और दाल के साथ खाइए। फिर मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो फिर से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और लिख दीजिए कुछ प्यारा प्यारा सा कमेंट्स। अगर आपको कुछ इसमें कमी महसूस होती है तो इसमें आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मुझे और क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके बाय बाय, सी यू।